देश की अर्थव्यवस्था विरोधाभास की स्थिति में है। विकास दर 8% के ऊपर आ गया है। उपभोक्ता कीमतों का सूचकांक 3.6% पर है और थोक कीमतों का 4.53% है। निर्यात में 17% की वृद्धि हुई है। यातायात, संचार, होटल व्यापार में 12% वृद्धि हुई है। कारखानों का उत्पादन 6.6% ऊपर आया है। ये सभी आंकड़े पिछले वर्ष के अगस्त महीने से अच्छे हैं। अनाज का उत्पादन 2017 से 18 में बारिश सामान्य होते हुए भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा। इन सब के बावजूद अर्थव्यवस्था अस्थिर है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरती क्रय शक्ति ने न केवल नीति निर्धारकों की नींद उड़ा दी है, बल्कि आम आदमी भी इसकी चपेट में आने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है, जिससे देश की तेल कंपनियां कीमतें बढ़ाने को मजबूर हैं। सरकार को पेट्रोल की ड्यूटी और करों से भारी राजस्व मिलता है। केंद्र और राज्य सरकारें अपना राजस्व कम नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे विकास योजनाओं के लिए धन की कमी हो जाएगी और सरकारी खर्चों में भी कटौती करनी पड़ेगी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें देश की विदेशी मुद्रा का भंडार खाली कर रही हैं। अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा का भंडार $426 बिलियन था, जो आज $400 बिलियन के आसपास आ गया है। अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विदेशी मुद्रा का निर्गमन तेजी से हुआ है। देश का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। आयात वृद्धि की दर निर्यात वृद्धि से अधिक है। जून 2018 में व्यापार घाटा पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए $12.79 बिलियन पर पहुंच गया। अगस्त 2018 में यह $17.4 बिलियन था। इस दशा में यदि बदलाव नहीं आया तो 3.3% का बजटीय घाटे का केंद्र सरकार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा, इसमें संदेह है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। 80% तेल आयात होता है। तेल उत्पादन की मात्रा और उसकी कीमत निर्धारण तेल उत्पादक देशों का संगठन पे करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती चढ़ती रहती हैं। पिछले 3 सप्ताह में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। दिल्ली में अगस्त के आखिर में पेट्रोल की खुदरा कीमत ₹70 प्रति लीटर थी, जो अब ₹80 को पार कर गई है। डीजल की भी वही स्थिति है। चूंकि पेट्रोल पर वैट, ड्यूटी और टैक्स राज्य सरकारें तय करती हैं, इससे देश के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोल के दाम एक से नहीं होते। महाराष्ट्र में पेट्रोल ₹90 प्रति लीटर के ऊपर जा चुका है, जबकि गोवा में ₹70 के नीचे है। पेट्रोल, डीजल आदि की कीमत में आधे के करीब टैक्स, वितरकों का मुनाफा और ढुलाई खर्च शामिल होता है। कंपनियां करती हैं कीमत निर्धारित। देश की पेट्रोल कंपनियां तेल की कीमत निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिकांश तेल कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, अपना मुनाफा और राज्य व केंद्र में लगने वाले करों को ध्यान में रखकर ये कंपनियां पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती हैं। कीमतों में बढ़त का सिलसिला वर्ष 2010 के बाद तेज हो गया है। पेट्रोल ₹40 प्रति लीटर से 2013 में ₹63 पहुंच गया और अब ₹80 से अधिक। एलपीजी की कीमत सरकार तय करती है। घरों में इस्तेमाल का 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत दिल्ली में बिना सब्सिडी के ₹820 और सब्सिडी के बाद ₹483 है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल और सभी ईंधन महंगे होते जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता पूरे देश में त्रस्त हैं। डीजल की कीमत में वृद्धि किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने पेट्रोल पर राज्य करों में कुछ कमी की है, जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, पर सरकारों के राजस्व पर भारी बोझ पड़ रहा है। भारतीय रुपया ढलान पर 15 अगस्त को ₹69.72 के बराबर था, जो अब ₹72 के आसपास पहुंच चुका है। इतने कम समय में रुपए की कीमत में यह रिकॉर्ड गिरावट है। नीति आयोग के चेयरमैन का मानना है कि इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुपया अपने असली कीमत पर आ रहा है। इस वर्ष के शुरू से अब तक 10% से अधिक की गिरावट को गंभीरता से न लेना देश के लिए महंगा पड़ सकता है। सरकार यह समझ चुकी है और रुपए को थामने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने की घोषणा हुई है। रुपए की कीमत में गिरावट न केवल आयात महंगा कर देता है और व्यापार घाटे को बढ़ा देता है, बल्कि विदेशी निवेश को भी प्रभावित करता है और मुद्रास्फीति बढ़ाता है। रुपया सस्ता होने का लाभ निर्यातकों को होता है, किंतु यह लंबे समय तक नहीं चल सकता। देश के कुल आयात में कच्चे तेल का सर्वाधिक भार है, जो आयात बिल को तेजी से बढ़ा रहा है, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी ला रही है। यह स्थिति बनी रही तो सरकार बजटीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी।
कुछ ही महीनों पूर्व भारतीय रुपया एशिया की सबसे मजबूत करेंसी थी, आज उसकी गिनती कमजोर करेंसियों में होने लगी है। विश्व की कुछ और करें